तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन काफी दिनों के बाद अवेंजर्स से मिलने के लिए जाता है एंड फ्रैंकलिन अवेंजर्स के घर में पूरे घर को छान मारता है, लेकिन उधर कोई भी अवेंजर नजर नहीं आता है। लेकिन उनके एक एसेट रूम में उसे एक अजीबोगरीब वॉच दिखाई देती है जिसके बाहर काफी सारे मैजिकल सी चीजें निकल रही थी, जिसको देखकर फ्रैंकलिन को पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है एंड वो उस वॉच को उठाकर रिपेयर करवाने के लिए लेकर जाता है एंड बड़ी मुश्किल से उसे एक वॉच रिपेयर करने वाला बंदा भी मिल जाता है विलेज के अंदर। एंड जब उस वॉच को वो पहनता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं, इस वॉच से वो किसी भी अवेंजर के अंदर चेंज हो सकता था। ये बेन 10 की तरह वॉच थी, कैसे भाई बेन 10 दूसरे एलियंस में चेंज हो जाता है, उसी तरह अब फ्रैंकलिन दूसरे अवेंजर्स के अंदर चेंज हो सकता था। अब इस वॉच से फ्रैंकलिन डिफरेंट डिफरेंट अवेंजर्स बनके ट्राई करता है, कभी वो फ्लैश बनता है, कभी हल्क बनता है, कभी आयरन मैन बनता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फ्रैंकलिन इस वॉच का इस्तेमाल किस तरीके से करेगा एंड क्या फ्रैंकलिन इस वॉच को संभाल पाएगा, देखते हैं इस वाली वीडियो में। वॉच का यार काफी ज्यादा यूज कर लिया भाई मैंने एंड रात हो गई भाई, काफी बोर भी हो गया इस वॉच का यूज कर करके। बट तभी मेरे को याद आया कि मेरी जो ऑडी है ग्रीन कलर की, जो नई ऑडी थी मेरी, उसे तो भाई मैं विलेज के अंदर ही छोड़ के आ गया, इसलिए अब फिलहाल उस ऑडी को लेने के लिए ही मैं जा रहा हूँ उस विलेज की तरफ। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई फ्लैश बन के चला जाता जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, आई नो मैं फ्लैश बन के काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा, बट नहीं भाई, फ्लैश बन के अब गाड़ी उठा पाना इजी नहीं होने वाला, लेकिन हल्क बन के गाड़ी उठा पाना बहुत ही इजी रहने वाला है, इसीलिए मैं हल्क बन के ही आ गया। ओके, फिलहाल आ गए इस विलेज के अंदर एंड चलो भाई ये वॉच कमाल की है भाई, जैसी तुम लोगों को नीड है उस हिसाब से अवेंजर के अंदर चेंज हो जाओ। जैसे अभी पावरफुल बंदे की जरूरत थी इसलिए मैं हल बन के आया हूँ, देखो क्योंकि मैं इस तरीके से आराम से अपनी इस गाड़ी को पिक कर लूंगा एंड सिंपली मस्त मक्खन दौड़ते दौड़ते घर पहुंच जाऊंगा भाई। ड्राइव करके अगर मैं आता या फिर ड्राइव करके गाड़ी को ले जाता तो काफी ज्यादा टाइम लगता ऑब्वियसली, बट अभी हल्क बन के मैं देखना भाई कितनी जल्दी पहुंचूंगा, कितनी जल्दी, सीरियसली मैं भाई बहुत ज्यादा जल्दी मैं पहुंचने वाला हूँ, इतनी तगड़ी छलांगे लगाऊंगा तो सोचो भाई मैं सीरियसली मैं कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, आराम से चलो मेरी ऑडी बहुत ही बढ़िया बिंदास, अब किस मॉल के ऊपर आके कूद गया मैं। ओके, सीधा चलो भाई, चलते रहो एंड यहाँ पर फुल स्पीड में दौड़ते हैं एंड देखना मेरी जंप, ये देखो भाई क्या सॉलिड जंप लगाई है। एंड इसी जंप के बाद हम लोग पहुंच गए ये रेलवे ट्रैक्स की तरफ, एक और जंप लगाते हैं, इस जंप के बाद हम लोग पहुंच गए ओ लॉस सैंटोस की जेल की तरफ, एक और जंप एंड ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर दिया पूरा क्लियर। तुम लोग देख रहे हो भाई सीरियसली मैं कितनी जल्दी पहुंचने वाला हूँ मैं, बट हाँ फ्लैश बन के और जल्दी घर पहुंच सकता था, लेकिन फ्लैश बन के गाड़ी उठा पाना यार थोड़ा सा मुश्किल वाला सीन है, लेकिन हल्क बन के भाई गाड़ी क्या ट्रक क्या प्लेन व्लेन भी उठा के पहुंच जाऊंगा मैं घर। ओके, चलो भाई क्या मस्त सॉलिड तरीका यार गाड़ी घर तक डिलीवर करने का। आ गया भाई, आ गया लॉस सैंटोस, आ गया मैं, ये देखो मेरा घर कहाँ है। अरे जंप लगा के पहुंचते हैं यार, क्या मैं भी दौड़ रहा हूँ मस्त एकदम। वो रहा बड़ा सा तालाब एंड ये रहा अपना घर, ओ नो तालाब के अंदर नहीं जाना, एंड ये रहा अपना होम स्वीट होम। आ गए भाई, अभी आराम से प्यार से इस गाड़ी को यहाँ पर रिलीज करते हैं, फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना, आराम से, बहुत ही बढ़िया। ओह नो, अरे यार थ्रो ही कर दिया मैंने। अब फटाफट से फ्रैंकलिन में चेंज हो जाते हैं, लेट्स गो। ओके, फ्रैंकलिन बन गया हूँ, ये देखो मेरी वॉच क्या ज़बरदस्त है एंड ये अपनी गाड़ी, मैंने कहा था भाई कि धीरे संभाल के प्यार से रखूँगा, बट स्टिल हल्क इज ऑलवेज हल्क एंड देखो भाई किस तरीके से मैंने गाड़ी रखी, सारे शीशे टूट गए गाड़ी के। खैर इसको छोड़ो, अभी मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है एंड ये कपड़े भी काफी ज्यादा गंदे हो गए हैं यार, फटाफट से काम करता हूँ, स्विमिंग पूल में डुबकी मार के इस वॉच को, नहीं पहले वॉच को साइड में रख देते हैं एंड फिर डुबकी मारेंगे एंड फिर दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ मैं। चलो भाई डुबकी मार ली भाई एंड नए कपड़े पहन के मैंने डुबकी मार ली है। फिलहाल अपनी जो वॉच थी उसे निकाल के मैंने यहाँ रख दिया, देख रहे हो तुम लोग ये वॉच कितनी ज्यादा स्पेशल है, कलर बदलती रहती है, कभी रेड कभी येलो कभी ये वाइट इस वक्त है। खैर अभी नींद आ रही है भाई बहुत ही ज्यादा, तो गुड नाइट एवरीवन, चलते हैं सोने के लिए एंड कल कुछ और न्यू एवेंजर्स की टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल तो हल्क फ्लैश एंड आयरन मैन की अभी टेस्टिंग की थी, कल थॉर की टेस्टिंग करेंगे, मजा आएगा भाई, थॉर के पास बहुत स्पेशल पावर्स है, देखते हैं थॉर बनने के बाद मेरे पास उसका हैमर वगैरह भी आता है कि नहीं। फिलहाल तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, अरे कहाँ गिर गया यार मैं, एक सेकंड इधर थोड़ा सा इधर बैठ के साइड में, गुड नाइट एवरीवन। अरे यार बहुत प्यास लगी है, ये कौन है,
अबे तुम कौन हो बे? द लास्ट गैंग? मेरे घर पे क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। पैसे लेने के लिए नहीं आए तो फिर किसके लिए आए हो तुम लोग? वॉच के लिए? अबे तुम्हें किसने बताया वॉच के बारे में? अरे यार इन लोगों को वॉच के बारे में कैसे पता चल गया? मेरे पास नहीं है वो वॉच। कहाँ रखी है? मेरे पास है ही नहीं वॉच। कहाँ रखी है क्या? अरे यार देख ना ले गलती से ये लोग मेरी वॉच कहाँ रखी है, वरना खोपड़ी उड़ा दोगे। अरे यार काश मेरे हाथ में होती वो वॉच। क्यों निकाल के रखी भाई? मैंने क्यों निकाल के रखी? अगर वो वॉच मेरे हाथ में होती ना भाई, अब भी हल्क बनता और सबकी गर्दन तोड़ देता। क्योंकि हल्क वगैरह, आयरन मैन वगैरह, फ्लैश वगैरह को वेपन से फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन अभी मैं फ्रैंकलिन हूँ और इतने सारे वेपन्स हैं इनके पास। अभी इन लोगों ने राइफल यूज़ कर दी, मैं बेमतलब में टपक जाऊँगा, क्या करूँ मैं? आई गेस गाइस मुझे इनको वॉच के बारे में बता देना चाहिए, शायद जिंदा छोड़ दें। वॉच वहाँ टेबल पे रखी है यार, लेकिन प्लीज मेरे को मत कुछ करना प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। कहाँ रखी है बताया तो? वो तो रखी वॉच टेबल पे। अरे यार ले गया मेरी वॉच, ले गया भाई, ले गया वॉच, ले गया। अरे यार गए भाई, ले गया मेरी वॉच। बेलॉस गैंग वालों छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। भाई भाग गई तो भाई, सारे ही भाग गई है तो। अबे यार मेरी वॉच, मेरी वॉच चली गई भाई। क्या अभी तो उसमें कितने सारे एवेंजर्स को ट्राई करना बाकी था भाई, अभी तो सिर्फ हल्क, फ्लैश, आयरन मैन ही बना था। भाग गए वो लोग तो मेरी वॉच चुरा के। यार मेरी किस्मत कितनी बेकार है भाई, 2 मिनट वो कपड़े गंदे हो गए थे, मैंने सोचा चलो वॉश निकाल के रख देते, पानी वानी में पता चला फिर से खराब हो गई, इसलिए वॉश निकाल के मैंने रखी है, नहाने चला गया, दोबारा वॉच पहनने का याद ही नहीं रहा। एंड ये बेलॉस गैंग वाले आ गए एंड मेरी वॉच ले गए। गुस्सा आ रही है मुझे। लेकिन छोड़ो यार, वैसे भी वो वॉच मेरी थी नहीं। एवेंजर्स वापस आ जाएंगे तो मैं एवेंजर्स को कह दूंगा भाई बेलॉस गैंग वाले तुम्हारे घर से वॉच चुरा के ले गए। सिंपली अब एवेंजर्स वाले निपटे बेलॉस गैंग वालों से, मेरे को क्या है। मैंने फिर भी सही इस्तेमाल कर लिया यार वॉच का, बढ़िया तरीके से यूज़ कर लिया। चलो सो जाते हैं। छोड़ो यार इतना भी लालची होना अच्छी बात नहीं है। वॉच ले गए तो ले गए, उन्हें भी थोड़े मजे करने दो, उनसे भी कोई छीन ही लेगा, फिर उनसे भी कोई छीन लेगा, फिर लास्ट में एवेंजर्स एक आध दिन में पता नहीं कब वापस आएंगे, उन्हें पता चलेगा वॉच के बारे में, वो पीट पाट के कोई सी भी गैंग हो वो अपनी वॉच वापस ले लेंगे। मैं क्यों टेंशन लूं, मैं करता हूं आराम। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है एंड रात को काफ़ी बुरी रात थी भाई मेरे लिए। अच्छा खासा मेरे पास वो एक वॉच थी, स्पेशल वॉच, मैजिकल वॉच, लूट के ले गए यार बेलॉस गैंग वाले। ये गैंग वाले भाई हमेशा परेशान करते रहते हैं, या तो कभी ये लॉस गैंग वाले होते हैं, कभी ये बेलॉस गैंग वाले होते हैं। दोनों ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। कभी कभी यार मैं पावरफुल बन के ख़त्म कर दूंगा दोनों की दोनों ही गैंग। खैर बहुत तेज भूख लगी है, वॉच अभी मेरे पास होती तो फटाफट से फ्लैश बनता एंड फटाफट से पिज़्ज़ा बना लेता। लेकिन यार पिज़्ज़ा में तो टाइम उतना ही लगता फिर भी। हाँ तो कोई नहीं, फटाफट से रेस्टोरेंट चला जाता, हल्क होता तो छलांग लगा के रेस्टोरेंट चला जाता, या फ्लैश बन के मैं फटाफट से भाई सारे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट से डिशेस चख चख के वापस घर पे आ जाता। लेकिन अभी मेरे पास वो वॉच तो है नहीं, ना ही उसकी पावर्स है, तो गाड़ी लेकर ही चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। चलो भाई ये डस्टबिन सीधी, चलो बाद में कर देंगे, चलो सबसे पास वाले रेस्टोरेंट चलते हैं या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ वो जो मॉल नहीं है भाई उधर काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, उधर चलते हैं, उधर बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाएगा। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गए, समोसे हो गए, अपने मिल जाएंगे बढ़िया वाले। चलो अरे 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 भाई आराम से आराम से। एक तो यार हल्क बन के रात को मैंने गाड़ी तोड़ दी अपनी भाई, क्या ही करता रहता हूँ मैं। ओके बड़ा सन्नाटा यार आज सड़क पे, पता नहीं क्या सीन है भाई। ओके कौन से रेस्टोरेंट? हाँ मॉल वाले रेस्टोरेंट सामने ही अपना मॉल। इधर से यार देखो लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को एक रास्ता कनेक्ट कर देना चाहिए भाई, हमें इधर घूम के जाना पड़ता है लंबा चौड़ा। इधर सीधा सीधा रास्ता होता है डायरेक्ट मॉल पे पहुंच जाते हैं, अब इधर से बताओ चक्कर काट के जाओ, कोई बात होती है मतलब? ये यहाँ पे रेस्टोरेंट ये रहा भाई क्लक इन बेल, यहाँ पर मस्त वाले बर्गर एंड सैंडविचेस मिलते हैं। चलो लेट्स गो। चलो भाई बढ़िया वाले। ओ ओ अरे क्या हुआ ये? अरे कैसे ब्लास्ट कैसे हुआ ऊपर? पता नहीं भाई, अबे ब्लास्ट हुआ कैसे? वेट गाइस, हल्क, अबे हल्क कौन सा वाला है ये? असली वाला है क्या? लेकिन एवेंजर्स तो वापस आए नहीं है। ओ तेरी
ओ भाई ये तो लोगों को उठा उठा के पटक रहा है। ओ नो शिट भाई मेरा और बहुत तेज लग गई, बट आई एम ऑल राइट। ओए मेरी गाड़ी पे नजर मत डाल, हल्क नहीं है गाइस, डेफिनेटली हल्क भाई इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं करता है बिल्कुल भी। ये बेलास गैंग वाले जो मेरी कल घड़ी ले गए हैं, शायद उन्हीं में से कोई सा है। ओ नो मेरी गाड़ी छोड़ बे गधे, मेरी गाड़ी छोड़। ओ नो मेरी गाड़ी उठा के फेंक रहा है गाइस। अरे यार ये हल्क नहीं है, ये डेफिनेटली हल्क नहीं है, ये लॉस गैंग वालों में से ही कोई सा है यार जो घड़ी का इस्तेमाल कर रहा है एंड देखो क्या कर रहा है। अरे यार इनसे वॉच वापस लेनी पड़ेगी वरना तो ये तो पूरा लॉस सेंटोस खत्म कर देंगे मिलके। ओ नो 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 भाई ये तो गाड़ियों को उठा उठा के पटक रहा है भाई, सीरियसली मैं तो तबाही मचा देगा पूरे लॉस सेंटोस में, बर्बादी मचा देगा। ये देखो कैसे गाड़ियों को उठा के फेंक रहा है भाई साहब। ओ नो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है यार, ये तो डिफरेंट एवेंजर बन के सीरियसली मैं तबाही मचा देंगे। नहीं करना पड़ेगा। अरे यार मैं उठ नहीं रहा, मैं इसके सामने उठूंगा नहीं भाई वरना मेरे को और पीटेगा। अरे यार फिर भी लात तो मार ही रहा है। ओके। अरे यार ये तो गाड़ियों वाड़ियों को तोड़ रहा है पूरा भाई, ये देखो बाइक वाला गया आपकी। ओ बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। यहाँ देखो लाइन से गाड़ियों को तोड़ रहा है भाई, पागल हो गया है क्या ये? अरे ये सच में पागल हो गया है यार, इनके पास ये पावर आ गई है ना इसलिए तबाही मचा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द इस बेलास गैंग से भाई इनकी ये वॉच छीननी पड़ेगी वरना तो ये पूरा लॉस सेंटोस ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये देखो क्या कर रहा है ये, पागल हो गया ये सारी गाड़ियां उड़ा रहा है भाई भाग गया। चलो गया एटलीस्ट यहाँ से गया, अब उठते हैं भाई फटाफट। क्या पीटा है भाई इसने कुत्ते की तरह लोगों को भी और मेरी गाड़ी को भी। वो तो मेरी ऑडी बढ़िया है यार कि कहीं से भी ये टूटी नहीं है, मतलब टूटी तो है खैर लेकिन वो तो पहले से ही शीशे वगैरह टूटे थे, बाकी चकनाचूर नहीं हुई बाकी वो ट्रक्स वगैरह की तरह। ओ भाई साहब क्या तबाही मचा के गया है वो हल्क, कुछ करना पड़ेगा यार वरना तो अभी उस घड़ी के अंदर बहुत सारे एवेंजर्स थे, मैंने तो अभी ढंग से टेस्ट भी नहीं किया था। उसके अंदर कैप्टन अमेरिका होगा, अभी उसके अंदर थॉर की पावर होगी, फ्लैश का भी वो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग हल्क तो बन के आया ही था, वो आयरन मैन भी बन के तबाही मचा सकता है भाई। उस वॉच के अंदर लिटरली में बहुत सारे एवेंजर्स की पावर है, सारे एवेंजर्स की पावर अगर वो धीरे धीरे करके इस्तेमाल करने लग गए तो लॉस सेंटोस सच में ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द उनसे अपनी वॉच वापस लेनी होगी, लेकिन कैसे, सवाल तो यही है भाई आखिरकार वॉच वापस लाऊँ तो लाऊँ कैसे। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, लेकिन क्या करूँ। वो बेलास गैंग के मेनली दो अड्डे हैं, एक तो वो लॉस सेंटोस वाला एंड एक वो था विलेज नहीं माउंट जिलियाट के पीछे जो वो झोपड़ी सी है वो वाला, दो बेलास गैंग के अड्डे हैं। वैसे अड्डे तो काफ़ी सारे हैं बट मेनली फेमस दो ही हैं। अब ये जिस हिसाब से कल जो बंदे मेरे को लूटने के लिए आए थे, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता यार ये लोग लॉस सेंटोस वाली बेलास गैंग से थे, डेफिनेटली वो जो दूसरा वाला अड्डा नहीं है भाई माउंट जिलियाट के पीछे वाला, ये लोग पक्का हो ना हो वहीं से आए थे, इतना तो मुझे यकीन है भाई। तो क्या करूँ मैं, वहाँ से पीट पाट के लाऊँ? लेकिन पीटने गया है कोई सा हल्क बन के मेरे को ही पीट देगा? चुपके से लाना पड़ेगा जब इनके पास वॉच ना हो, ऐसा कब हो सकता है? मे बी रात को, किस तरीके से मैं रात को भाई वॉच रख के सोया था, मे बी इनका जो लीडर होगा वो भी वॉच रख के सोता होगा साइड में, क्या पता। मुझे बस इसी मौके की तलाश में रहना है गाइस, एंड जैसी वो वॉच मिलेगी मुझे मैं भाई तबाही मचा दूंगा। मैं इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं उसी वक्त भाई थॉर की पावर यूज़ करके एंड आग सी लगा दूंगा इन बेलास गैंग वालों की दुनिया में। वहाँ के बेलास गैंग वालों को तो पीटूंगा ही भाई, ये लॉस सेंटोस में जो बेलास गैंग है दोनों गैंग्स को पीटूंगा मैं पकड़ के, मतलब गैंग्स तो दोनों एक ही है लेकिन दोनों अड्डों पे जाके इनके तबाही मचाऊंगा। एक बार बस वो वॉच मेरे हाथ में आ जाए। एक काम करो यार तुम लोग, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार ताकि वो एवेंजर्स की पावरफुल वॉच वापस से मेरे पास आ जाए। यस गाइस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो अभी तक लाइक नहीं है तो, एंड इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी फुल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ेगी यार उनसे वॉच छीनने के लिए। रुको ज़रा घर पे चलते हैं एंड ज़रा सोचते हैं किस तरीके से मैं वॉच उनसे वापस ला सकता हूँ, किस तरीके से। सोचने दो भाई, क्या करूँ। रात के टाइम पे ही जाऊँ क्या, समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम हो चुका है एंड मैंने प्लान सोच लिया भाई, मैं जाऊँगा बेलास गैंग के पास, मतलब बेलास गैंग के पास नहीं बेलास गैंग के अड्डे पे, एंड चुपके से जाऊँगा, रात को चुपके से जाऊँगा
जब वो लोग सो चुके होंगे रात के 3-4 बजे, रात कहाँ होती है 3-4 बजे, सुबह के 3-4 बजे जब अंधेरा होगा, एंड जाके मैं बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह सब पहन के जाऊंगा, जितने तगड़े वेपन्स हो सकते हैं उतने तगड़े वेपन्स लेके जाऊंगा, एंड देन जाके जैसे ही मुझे वॉच दिखेगी वॉच ढूंढ के कलेक्ट करके, एंड फिर जो मैं तोड़ने वाला हूँ भाई इन लोगों को थॉर बनके, तुम लोग देखना मज़ा ही आ जाएगा। सबसे पहले तो फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, रात को हम लोग निकलेंगे यहाँ से 12 बजे, ठीक है, मैं 3-4 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा बैलास गैंग के अड्डे पे, क्योंकि बहुत दूर जाना है यार, घंटे तो लगेंगे ही काफ़ी। अपने को कहाँ जाना है, वो माउंट चिलियाट की तरफ जाना है, तो 3-4 घंटे तो मान के चलो, तो 12 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। अरे सर जी साइड में हट जाओ यार, तो 12 बजे मैं यहाँ से मान के चलो निकलता हूँ, तो रात के 12 बजे तक मुझे सारी तैयारी कर लेनी है। तैयारी में मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो ब्लैक कलर के कपड़े चाहिए ताकि अंधेरे में मैं आसानी से नज़र ना आऊँ, तो ब्लैक जीन्स तो पहन ही रखी है मैंने, ये ब्लैक टी शर्ट चाहिए, ब्लैक शूज़ चाहिए, तो पहले कपड़े खरीदते हैं बढ़िया से। कपड़े की दुकान तो यहीं पर है, ये तो रहा ये मॉल, ये तो रहा कपड़े की दुकान, फटाफट से ब्लैक कलर के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, एंड फिर हम लोग आर्मर, बुलेट प्रूफ आर्मर एंड वेपन्स का जुगाड़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ब्लैक कलर के शूज़ पहन रखे हैं, ब्लैक कलर की पैंट, एंड आई गेस अंधेरे में मैं भाई आसानी से दिखने वाला नहीं हूँ। एंड अब मुझे चाहिए वेपन्स एंड आर्मर, वेपन्स एंड आर्मर के लिए हम लोग जाएंगे इधर। अरे हट जाओ यार, करने दो मुझे जल्दी जल्दी ये मेरा प्लान एग्जीक्यूट, वरना बचोगे नहीं लॉस सैंटोस वालों तुम लोग, क्योंकि बैलास गैंग के हाथ एक ऐसी वॉच लग चुकी है जिस वॉच के थ्रू वो लोग लिटरल तबाही मचा सकते हैं। फिलहाल अभी वॉच के बारे में बात कर रहा हूँ, हर जगह वॉच ही नज़र आ रही है मुझे। क्या करने वाला था मैं, हाँ आर्मर, आर्मर नहीं वेपन्स, हाँ मतलब वेपन्स प्लस आर्मर। शॉप कहाँ है आर्मर वगैरह की, अगले वाले रोड पे है, यहाँ पे है, हाँ ये तो रही भाई, चलो चलो। अरे हट जा भाई, हमर वाले भाई हट जा साइड में। ओ भाई ऑल ब्लैक तो कपड़े इसने पहन रखे हैं, टोपी भी ब्लैक कलर की पहन रखी है। अरे क्या कर रहा भाई तू, अरे हमर वाले कहाँ लेके जा, मैं इधर से निकल चल, यहाँ नहीं गाड़ी, यहाँ नहीं गाड़ी घुसने दूंगा मैं, कहीं और लेके जा अपनी गाड़ी। बाबे मेरे पे गाड़ी चढ़ाएगा क्या पागल। ओ वेपन्स वाले भाई साहब जरा आर्मर एंड वेपन्स दे दो, बहुत सारे आर्मर भी ले लेते हैं फटाफट क्विकली। सबसे पावरफुल वाला कौन सा है यार, ये वाला लग रहा है, ये है, ये ले लेते हैं। चलो भाई बहुत ही बढ़िया, आर्मर भी पहन लिया मैंने इस शर्ट के अंदर, एंड शर्ट क्या टी शर्ट जो भी है ये, एंड वेपन्स भी मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं। तो अब तुम लोग सोच होंगे भाई वेपन्स क्या ही उखाड़ लूँगा मैं, जब बैलास गैंग वाले अगर वॉच का इस्तेमाल करके मान लो मेरे सामने हल्क फ्लैश या आयरन मैन कुछ बन गए तो मेरे वेपन्स क्या ही उखाड़ लेंगे उनका, आई नो गाइज, बट क्या पता भाई वॉच उनसे थोड़ी दूर रखी हो एंड मेरे पास फुल चांस हो कि मैं वेपन्स का यूज़ करके उनको टपका सकूँ एंड वॉच तक पहुँच सकूँ, इसलिए मैंने वेपन्स ले लिए हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट। एंड अभी कितने बज गए हैं, लगभग 2 बजने वाले हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो 10 घंटे के लगभग है अपने पास, नहीं 10 घंटे कहाँ हैं, हैं 10 ही घंटे, हाँ 10 घंटे हैं, 10 घंटे हैं। तो 10 घंटे में क्या करूँ, ये गाड़ी रिपेयर करवा लेता हूँ, पूरी चकनाचूर हो गई है। चलो भाई क्विकली चलते हैं, मेरी बढ़िया सी ऑडी, ओ हेडलाइट अभी भी काम कर रही है, क्या बात है, इधर कोई रिपेयरिंग की शॉप है यार, फटाफट से रिपेयर करवा लेते हैं, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डायरेक्टली रात को 12 बजे। एंड तुम लोग ज़रा एक बार टाइम देखो भाई, 23:56 यानी 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के लगभग का टाइम बचा हुआ है, आई गेस यही सही टाइम है, निकलते हैं। गाड़ी मैंने देखो भाई पूरी अपनी रिपेयर करवा ली है एंड हेडलाइट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, सही है चलो निकलते हैं। अरे हट जाओ सर जी, तो निकलते हैं फटाफट अभी माउंट चिलियाट की तरफ, क्योंकि बैलास गैंग का बेस उधर ही है। यार मेरे को शक हो रहा है, अब 2 अड्डे हैं ठीक है बैलास गैंग के, एक तो लॉस सैंटोस में ही है एंड एक माउंट चिलियाट की तरफ है, मैं इतनी मेहनत करके माउंट चिलियाट तक पहुंचूं और पता चला यार इन लोगों ने मतलब जो भी अपना ये वॉच वगैरह है ये लॉस सैंटोस वाले ही बेस पे रख लिया हो, मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा मेरा पोपट हो। एक काम करूँ क्या, रुको यार मैं बैलास गैंग का जो ये लॉस सैंटोस वाला बेस है पहले वहाँ पे किसी को पीट के पूछ के आता हूँ कि भाई वॉच कहाँ रखी है तुम लोगों ने। लेट्स गो क्विकली बैलास गैंग के अड्डे पे निकलते हैं फटाफट। ये ग्रीन गैंग है, यहाँ पे तो अपने दोस्त रहते हैं, हेलो ग्रीन गैंग वाले भाइयों, मतलब पूरी गैंग ही अपनी दोस्त नहीं है लेकिन हाँ एक आध बंदे अपने दोस्त है। और भाई पहचान रहा है मेरे को, फ्रैंकलिन हूँ मैं, नहीं पहचान रहा है यार तू, अबे फ्रैंकलिन मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था पहले, मैं भी ग्रीन मतलब मैं भी था नहीं लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। ओए ग्रीन गैंग वाले लौंड, कोई सा नहीं पहचान रहा यार मेरे को, ग्रीन गैंग भी भूल गई है यार मेरे को, छोड़ो यार तुम लोग भी पराए हो गए।
छोड़ो ग्रीन गैंग को, छोड़ो बेलास गैंग के आगे चलते हैं। बेलास गैंग का बेस थोड़ा सा आगे ही है, लेट्स गो क्विकली। चलो भाई साहब ये देखो ग्रीन गैंग है पूरी पूरी इधर, ये देखो ग्रीन कलर की ये लोग गाड़ियां भी रखते हैं। वैसे मेरी भी गाड़ी ग्रीन ही है। अरे इनकी मीटिंग वीटिंग चल रही है क्या? हेलो भाइयों, छोड़ो यार मेरे को बेलास गैंग से मतलब है। बेलास गैंग का यहाँ से शुरुआत होता है इलाका, यहाँ पर किसी एक बेलास गैंग वाले को दबोचता हूँ। रुको किसको, इसको दबोच लूँ क्या कोपचे में ले जाके? अरे यार इधर तो बहुत सारे हैं, यहाँ से आगे लेफ्ट ले लेता हूँ मैं। पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बेलास गैंग वाले को पकड़ने के लिए आया हूँ। कोई सा है इनका गैंग मेंबर? ये तो रहा एक, हाँ ये बेलास गैंग का ही लग रहा है। तेरी ऐसी की तैसी, वो जो तुम्हारी गैंग ने जो वॉच चुराई है उसे कहाँ रखा है? बोल बोल बे। अब यार ये तो बेहोशी हो गया। ओ नो वो फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन कर रहा है। ओ नो इसका फ़ोन कोई उठाए, इससे पहले इसे उड़ाओ, उड़ाओ इससे पहले इसे। ओके उधर गैंग है, उसकी गैंग ने देखा नहीं है, शिट वो भाग के बता देगा। ओ नो नो, जल्दी 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 जल्दी, उसके गैंग वाले ध्यान नहीं दे रहे ये बंदा भाग क्यों रहा है। ओ भागो भागो भागो, तेरी ऐसे की तैसी, रुक बे रुक बे। बेलास गैंग वाले इसको कोपचे में ले जाके पीटूंगा। रुको भाई, सही है सही है, ये जितना दूर चला जाए अपनी गैंग से उतना ही बढ़िया है, उतना ही बढ़िया है मेरे लिए। भाग बेटा तू भाग, यस बहुत ही बढ़िया, बहुत दूर आ चुका है ये अपनी गैंग से। एंड नाउ अब ये गया, बता बे एवेंजर वाली वॉच कहाँ है? जो मेर से वॉच तुम्हारी गैंग ने छीनी है कहाँ पर है वो? माउंट चिलियार्ड वाले बेस पे। ठीक है थैंक यू थैंक यू। चलो भाई पीट के कोपचे में कर दिया, एंड इसकी गैंग को पता भी नहीं चला है। सीरियसली मैं बेलास गैंग वालों के सामने से भागा ये बंदा, एंड ये सोचा हुआ कि ये दोनों दोस्त हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे तुम्हारे बंदे को पीट दिया मैंने। सही है सही है सही है, किसी को भी नहीं पता चला यार बेलास गैंग में। देखो मस्त एकदम चिल करके घूम रहे हैं ये लोग। एंड मैं अपनी जल्दी से गाड़ी लेके निकलता हूँ यहाँ से। यस गाइस मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, उस बंदे ने कहा माउंट चिलियार्ड वाले बेस पे है, चलते हैं फिर उधर ही। आ रहा हूँ बेटा आ रहा हूँ, एवेंजर वाली वॉच लेने के लिए आ रहा हूँ मैं। कितने बज गए वैसे? अबे 12:30 बज गए। अरे यार मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगा, मुझे रात रात के अंदर ही जाके वो वॉच चुरानी है। चलो 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 फटाफट से निकलते हैं माउंट चिलियार्ड वाले बेस की तरफ, मतलब बेलास गैंग के माउंट चिलियार्ड वाले बेस की तरफ। लेट्स गो क्विकली क्विकली लेट्स गो। ओके 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 माउंट चिलियार्ड पहुंच चुका हूं मैं, एंड 3:30 बज गए हैं भाई, 3 घंटे के अंदर लगभग पहुंच गया मैं, जो कि काफ़ी अच्छी रफ्तार थी भाई। एंड चलो, अरे यार फिर से गाड़ी पे स्क्रैचेस आ गए हैं, कोई बात नहीं भाई। वैसे 3 बजे भी इतना ट्रैफिक लॉस सेंटोस की सड़कों पर, क्या बात है। एंड राइट साइड में एक ऐसे ब्रिज सा आता है, एंड उसके नीचे एक गुफा सी आती है, गुफा क्या टनल सी आती है, एंड उसके पार ही है भाई बेलास गैंग का अड्डा। कुछ ही देर में तुम लोग नज़र भी आ जाएगा, तुम लोगों ने कई बार देखा भी होगा यार। एंड हियर वी गो, बेलास गैंग का अड्डा बस आने ही वाला होगा। हेडलाइट वेडलाइट बंद कर लो यार अपनी गाड़ी की, एंड संभल के हमें चलना है, गाड़ी को पहले ही रोक देना है, एंड सीक्रेटली एंटर करना है। यही है क्या? अबे नहीं नहीं ये तो सीवर है। कहाँ पर है वो टनल वाला इलाका? यस वो रहा, पूरा 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 भाई ये रहा। देखो ये रहा डिग्निटी विलेज, ओहो क्या नाम रखा है इन लोगों ने, डिग्निटी विलेज। एंड ये क्या लिखा है भाई? ह्यूमन राइट्स, फाइट फॉर आवर ह्यूमन राइट्स टू हाउसिंग। ओहो ये स्लोगन्स लिखने से भाई कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनने वाला है बेलास गैंग वालों। इस गाड़ी को मैं इधर साइड में लगाता हूँ भाई, क्या पता कब भागने की नौबत आ जाए, क्योंकि नोबडी नोज भाई, क्या पता उन लोगों ने घड़ी पहन रखी हो, कोई हल्की बना बैठा हो यार, कोई आयरन मैन बना बैठा हो और मैं जाऊँ उससे पंगे लूँ एंड वो मेरे को कूट दे, इसलिए भागने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए पहले ही हर वर्स्ट सिचुएशन के लिए मैं तैयार हूँ। एंड नाउ चलते हैं फटाफट से। ले भाई इस पे चढ़ू कैसे मैं? अरे यार पोपट ही पोपट हो रहा है मेरा हर तरफ। चले यार छोड़ो, इधर से चलते हैं आगे से। ओ नो ओहो एवेंजर वाली वॉच होती स्पाइडरमैन बन के चला जाता, लेकिन वॉच ही तो नहीं है, वॉच के लिए तो इतना झगड़ा हो रहा है भाई। एक बार वॉच हाथ में आ जाए भाई, सीरियसली मैं अभी अगर वॉच मेरे हाथ में आ गए ना भाई, थॉर बन के पीटूंगा थॉर। लास्ट टाइम वैसे भी हम लोगों ने फ्लैश हल्क एंड अपने आयरन मैन की पावर्स की टेस्टिंग कर ली थी, अभी बहुत सारे एवेंजर्स बाकी रह गए थे जिसमें से एक थॉर था, आज थॉर बन के पीटूंगा मैं इन्हें। एक बार वॉच हाथ में आ जाए, अरे कैसे चढ़ू इस पे? अरे आगे आगे से चढ़ते हैं, रुक जाओ फटाफट आगे चलते हैं यार, इस दीवार पे नहीं चढ़ पा रहा, पता नहीं कैसी दीवार बनाई है। यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है ना शायद। ओहो कहाँ फंस गया मैं, मेरी गाड़ी से मैं बहुत दूर आ गया, भागने की नौबत आएगी तो भागूंगा कैसे? नहीं नहीं होप फॉर द बेस्ट, प्रे फॉर द बेस्ट, भागने की नौबत ना आए प्लीज़। ओके ये आ गए भाई इसके ऊपर, सामने से ट्रेन आ रही है। डरते हैं क्या ट्रेन से? ट्रेन से डरते हैं क्या? आ ट्रेन आ तू मेरे सामने, मैं साइड में हट जाता हूँ, आ जा। को हिरन विरन है भाई इधर बिंदास, चढ़ जाऊँगे ट्रेन पे, पता नहीं कहाँ ही पहुँच जाऊँगा, चढ़ के देखो एक बार। ओ नो
ओ भाई टकरा गया मैं तो ट्रेन से, क्या फालतूगिरी कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी से जल्दी एवेंजर्स वाली वॉच चुरानी है। ओ हिरन भाई थोड़ी लिफ्ट दे दे भाई, लिफ्ट प्लीज ब्रो। नहीं देगा वो लिफ्ट, छोड़ो। तो ये है देखो गाइस इन बेलास गैंग वालों का अड्डा, इतनी देर से बताओ, ये छोटी सी दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं चढ़ पाया एंड में। तो ये रहा अड्डा इनका एंड ओ भाई ये कितने सारे बेलास गैंग वाले हैं यहाँ पे ऑलरेडी। पीछे से चलते हैं पीछे से, चलो 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 चलो, आराम से क्विकली क्विकली क्विकली, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। एंड ये लोग तो जग रहे हैं यार, लेकिन वॉच कहाँ रखी, एक बार वॉच मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। झांक के देखो इधर से कुछ दिख रहा है, वॉच रखी तो इधर ही होगी इन लोगों ने कहीं ना कहीं। यार ओए वेट, वो दिख रही है वॉच, तुम लोगों को दरार के बीच में से ये सामने की तरफ वॉच दिख रही है, जरा जूम करके देखो भाई, वो रही वॉच, यस वो वॉच ही है। अरे यार कैसे दिखाऊं मैं तुम लोगों को, रुक जाओ इस छोटी सी दरार से फर्स्ट पर्सन व्यू में दिखाने की, नहीं नहीं इधर से नहीं दिखेगा। ये देखो भाई ये दिख रही है तुम लोगों ऊपर वॉच, वो वॉच ही है डेफिनेटली। कैसे जाऊं मैं आगे, ओ नो इधर बेलास गैंग वाले हैं, लेकिन वो उधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इधर जा नहीं सकता मैं। वो इधर ये दीवार टूटी हुई है थोड़ी सी, मैं इतना पतला हूं इसके थ्रू जा सकता हूं क्या? अरे यार काश मैं थोड़ा और पतला होता है यार, मैं इतना मोटा क्यों, थोड़ा सा और पतला होता इसके थ्रू निकल जाता। ओ नो Why I am so unlucky यार, भाई इसके थ्रू निकल जाता घड़ी जाके पहन लेता फटैक से। नहीं निकल सकता मैं इसके थ्रू, क्या करूं करूं क्या करूं। ओए छत पे छेद है, छत पे चला जाऊंगा तो काम हो जाएगा, छत पे लेकिन जाऊं कैसे, इस साइकिल के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर टांग फंसा के चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो। ओके 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 कम ऑन आ गया छत पे। ये देखो भाई ये छत टूटी हुई है यहाँ से सिंपली, इसके अंदर आराम से बहुत ही बढ़िया। ओ नो एक बंदा पीछे मुड़ रहा है क्या, अरे कहाँ फंस गया। ये देखो ये रही वो वॉच, ये गधे इधर वॉच रख के उधर निगरानी रखे हुए हैं, इन्हें क्या पता कोई बंदा ऊपर से भी आ सकता है मेरी तरह। एंड ये रही वॉच, लेट्स गो भाई फटाफट से वॉच पहनते हैं, पहले तो ये टी शर्ट हटाता हूँ बनियान में आता है एंड फिर वॉच पहनते हैं। एंड हियर वी गो भाई, हाथ में आते देखो भाई ये रेड येल्लो हो गई, आई एम रेडी। ओ लोंडो फायर करके इधर छुप जाते हैं एंड नहीं नहीं डायरेक्टली बनते हैं, लेट्स गो गाइस लेट्स बिकम थॉर। चलो भाई आज इन्हें थॉर बन के दिखा दिया जाए। वन हियर वी गो, आई एम थॉर, हेलो बड़ी, हेलो बड़ी इधर तो देखो बड़ी, हेलो सर करो अटैक, करो यार लोंडो तुम लोग करो अटैक, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें, करो यार तुम लोग करो भाई अटैक, मैं कुछ कह ही नहीं रहा तुम्हें, मैं बस थॉर बन के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया हूँ, सिंपल सिंपल एंड ईजी ब्रो। अरे यार तुम लोग भाई लड़ो ना यार, गोली वोली नहीं चला रहे। रुको गाइस इन्हें थोड़ी दूसरी पावर दिखाता हूँ मैं, बाई फ्रॉस्ट स्ट्राइक करते हैं, चलो भाई लेट्स गो एवरीवन, बाई फ्रॉस्ट स्ट्राइक रात के टाइम पे। ओ हेलो यार रात को मज़ा नहीं आ रहा, रुको भाई थोड़ा दिन होने दो, दिन दिन में और मज़ा आएगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलाओ यार तुम लोग बिंदास गोली चलाओ, तो रुक क्यों गए, चलाते रहो मुझे गोलियों से फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी। सुबह का इंतजार कर रहा था मैं एंड सुबह हो गई एंड हैमर बरसाना अगेन शुरू कर दिया है मैंने। हेलो बड़ी तुम्हारी गाड़ी तोड़ू क्या, ये लो। अरे गाड़ी ब्लास्ट नहीं, बहुत पावरफुल गाड़ी है यार, चलो हो गई ब्लास्ट। कुछ और पावर्स है मेरे पास, लाइटनिंग बीम क्या होगा इसके अंदर। ओ तेरी, ओ ये बढ़िया है, ये लो बेटा बेलास गैंग वालों मेरे से वॉच छीन के भागोगे तुम लोग, फ्रैंकलिन से वॉच छीन के भागोगे, इतनी औकात हो गई तुम लोग की है, ये ले गए तेरी ऐसी की तैसी, ये ले तू भी। एंड इसी के साथ गाइस काफी आसानी से मैं बंदों को टपका रहा हूँ भाई, ये वाली पावर बहुत सॉलिड है भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट पावर्स लगती है मेरे को थॉर की। एंड कुछ और पावर्स हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होगा इसमें, ओ ऊपर से बिजली गिरेगी, ओह भाई ये बढ़िया है, ऊपर से बिजली गिरा रहा हूँ भाई, आग सी लगा दी। अरे सर जी ये लो बिजली खाओ आप, अरे यार मजा आ गया आज तो, मजा ही आ गया। कुछ और है क्या, गॉड ब्लास्ट इसमें क्या होगा सर जी। ओ तेरी भाई ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, ये पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी, अरे खत्म, अरे यार इतनी जल्दी खत्म हो गए। ओ एक बचा तो है वो तो रहा, सर जी आप कहाँ गए, अरे भाई बंदा पिघल जा रहा है क्या, वेट व्हाट, बंदे इस पावर से पिघल जा रहे हैं यार, वो टपक ही नहीं रहे, वो हमेशा के लिए गायब ही हो जा रहे हैं, क्या दिस इज टू मच पावरफुल, कहाँ भाग गए यार बेलास गैंग वालों भाइयों, यार आ जाओ यार तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ मैं, तुम लोग भाग गए। ओ एक बंदा वो रहा, उस पर दूसरी पावर का यूज करते हैं, गॉड ब्लास्ट ब्रिंग मी थैनोस स्ट्राइक, जरा ये ट्राई करते हैं इसमें क्या स्पेशल है, उड़ के आता हूँ सर आपके पास। हेलो सर हाउ आर यू, एवरीथिंग ऑलराइट, ये लो ब्रिंग मी थैनोस स्ट्राइक, क्या पावरफुल स्ट्राइक थी ये, एक और लो ब्रिंग मी थैनोस स्ट्राइक, भाई साहब तबाही मचा दी तबाही।
एंड जरा उस पार्ट चलते हैं। मेरा हैमर देखो भाई पूरा खून से सन गया है। जरा और पावर्स की टेस्टिंग कर ली जाए और क्या क्या है। टोर्नेडो स्टॉर्म इसमें क्या होगा भाई? ओके ओ भाई टोर्नेडो क्रिएट कर दूंगा मैं। अरे वाह यार ये तो फ्लैश वाले टोर्नेडो से भी बढ़िया है क्योंकि उसमें भाई टाइम लिमिट थी कि इतने सेकंड तक टोर्नेडो चलेगा, बट इसमें तो मेरी मर्जी है जितना लंबा मैं टोर्नेडो चाहूँ उतना लंबा टोर्नेडो क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। एंड मज़ा आ गया भाई, बहुत पावरफुल था ये टोर्नेडो भी। अरे वाह यार क्या फन है भाई ये थॉर की पावर्स, सीरियसली एपिक एपिक भाई एपिक एज ऑलवेज एपिक। कुछ और पावर्स हैं, लाइटनिंग शॉक वेव इसमें क्या होगा? लाइटनिंग शॉक वेव में क्या होगा? ओ तेरी मैं बहुत पगड़ी वाली लाइटनिंग थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है, और वेव निकलेगी। अच्छा मैं नीचे लाइटनिंग फेंकूंगा एंड उसके थ्रू वेव निकलेगी, जस्ट लाइक दिस, यू वांट टू सी, लेट्स गो। ये देखो भाई वेव कितनी पावरफुल है। इसके अलावा क्या पावर है? चार्जिंग बीम, इससे क्या होगा? लेट्स यूज दिस। ओके मैं खुद को लाइटनिंग से चार्ज करूंगा एंड देन सामने लेजर फायर करूंगा। नाइस इंटरेस्टिंग एज वेल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलो इसके अलावा और कोई सी पावर है? बाई फ्रॉस्ट स्ट्राइक, ये तो मैंने ट्राई कर लिया था ऑलरेडी, ये तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ही एपिक है ये भी। ये देखो मैं खुद वहाँ टेलीपोर्ट करके एंड पूरी पावर के साथ अटैक करता हूँ इस पावर में, ठीक है। नाइस, अरे आग लग गई, अरे आग लग गई भाई हथौड़े में आग लगी। थोड़ा उड़ते हैं, उड़ने वाली पावर जरा चेक कर ली जाए, उड़ने वाली पावर कैसी है? ओ भाई साहब ये क्या था, उड़ने वाली पावर, कम ऑन। अरे वाह भाई ये बढ़िया, अरे उड़ने का तरीका मस्त है यार। ये देखो हथौड़ा घुमाया एंड हथौड़े को फेंका बहुत जोर से सामने की तरफ एंड अबे ये क्या क्रैश कर गया मैं। ये हथौड़ा घुमाया एंड बहुत जोर से फेंका सामने की तरफ एंड यहाँ पर हम लोग उड़ने लग गए हैं, लेकिन मेरे अंदर आग लग गई है भाई। एक सेकेंड मैं ज़रा आग बुझा के आऊँ, अपनी पानी के अंदर से एक डुबकी लगाते हैं एंड इसी के साथ अपनी आग बुझ जानी चाहिए। भाई पानी के अंदर भी लाइटनिंग थ्रो कर सकता हूँ मैं। ये देखो भाई आग बुझ गई एंड यहाँ पर मैं वापस से मस्त थॉर बन के उड़ने लग गया हूँ। ओहो क्या लाइफ चल रही है, थॉर की लाइफ भी क्या एपिक है भाई। इसकी पावर्स भाई सच में बहुत क्रेजी है। तुम लोग भाई किसकी पावर सबसे एपिक लगी अभी तक, जितने भी एवेंजर्स हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए हैं इस वॉच का यूज़ करके अभी तक? देखो भाई सबसे पहले मैं फ्लैश में ट्रांसफॉर्म हुआ था जिसकी मुझे सबसे एपिक पावर लगी थी, उसके बाद मैं हल्क बना हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद भाई मैं आयरन मैन में ट्रांसफॉर्म हुआ एंड आज मैं फिलहाल अभी थॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। अभी तक जितने भी पावर्स हम लोगों ने टेस्ट किए सबसे एपिक पावर्स तुम लोगों को किसकी लगी भाई कमेंट में जाकर बताओ यार, अभी के अभी जाओ एंड कमेंट में बताओ किसकी पावर्स थी सबसे ज़्यादा एपिक। फिलहाल तो मेरे लिए तो भाई सबसे एपिक पावर्स हैं अपने थॉर की आज जिसकी हम लोगों ने टेस्टिंग की, बहुत ही एपिक पावर्स हैं यार। कितनी जल्दी भाई देखो मैं उड़ रहा हूँ, क्या फास्ट स्पीड में उड़ रहा हूँ यार, स्पीड तो देखो ज़रा तुम लोग कितनी जल्दी। ये देखो मैं पहुँच गया माउंट चिलियर, ठीक है माउंट चिलियर से वापस लॉस सैंटोस चलना है, कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लो भाई वापस आ गए भाई, सीरियसली में वापस चलना है, चलो इधर चलो वापस से, ओके वापस उधर चलना है, चलो भाई कितनी जल्दी उड़ रहा हूँ यार मैं। एंड बेलास गैंग वालों से ये घड़ी छीनने में मजा आया, भले ही वो लोग मेरे से छीन के ले गए बट आज मैंने उनसे छीन ली, अब इस घड़ी को नहीं निकालूंगा भाई मैं। लेकिन यार पानी वानी के अंदर खराब तो नहीं हो जाएगी ये? पता नहीं क्या सीन है इस वॉच का, अगर ये ख़राब नहीं होती तो अवेंजर्स के यहाँ ये ख़राब क्यों पड़ी होती भाई। सही बात है वहाँ भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में रखी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ तो ये ख़राब पड़ी थी, इसका मतलब ये वॉच पानी के अंदर शायद ख़राब हो सकती है। ओके बहुत उड़ लिया भाई, अरे एक सेकेंड वहाँ की तो बेलास गैंग को पीट के आ गए, जरा जो लॉस सैंटोस वाली बेलास गैंग है उनको भी मज़ा चखाऊँ भाई हैं, उनके पास भी मैं बहुत डर डर के गया था कल रात को 12 बजे, उनको भी पीट के आता हूँ। कहाँ है उनकी गैंग है भाई, किधर है भाई तू, किधर रहते हो भाई तुम लोग? इधर ही है, रुको यहीं पे तो शायद उनकी गैंग, इधर कोई सी तो गली, हाँ ये तो रही इनकी गैंग, आ गए भाई। हाँ तो भाई बेलास गैंग वालों तुम्हारे ऊपर यूज़ करूँगा मैं ये लाइटनिंग स्ट्राइक, ये ले पहले तो तू हथौड़ा खा ये ले अब मैं इस्तेमाल करूँगा लाइटनिंग स्ट्राइक ब्रो, गया। एनीवन एल्स वांट दिस, ये ले भाई ये ले बेटा, दोबारा मेरे से पंगे लेने की हिम्मत मत कर लेना भाई बेलास गैंग वालों। डॉगी सर जी आप भी लो एंड और कोई है? हेलो सर जी, बाय बाय सर, लॉस गैंग वाले सर, नहीं बेलास गैंग, अरे एक तो ये कितनी सारी गैंग्स है यार, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं तो। किधर से गोलियाँ चल रही है भाई, किधर छुप के चला रहा है गोली तू, सामने आओ, इधर छुपा हुआ है सामने, तेरी ऐसी की तैसी निकल। एनीवन एल्स, कोई और खाना चाहेगा ये लाइटनिंग स्ट्राइक? कोई और इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है चलता हूँ मैं। कैसी लगी गाइस यार तुम लोगों को भाई ये लाइटनिंग स्ट्राइक एंड फ्लैश की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, कमेंट में बताओ जाकर भाई।
बाकी वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना भाई किसकी पावर सबसे ज़्यादा है दिखती। यस, थॉर की, अपने फ्लैश की, हल्क की, या फिर आयरन मैन की, एंड जितने भी बाकी एवेंजर्स रहते हैं जिनकी पावर्स टेस्ट करना बाकी है उनको टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में एवरीवन, तब तक के लिए गुड बाय।